कि दोस्तों इस समय मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, फिर से मुझे आपके सामने आने का मौका मिला। और आज जो खास विषय के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है सब का दिन। कुछ लोग तो ये भी कह लेते हैं जो कोई सब का दिन नहीं मानता है वो निश्चय नरक जाएगा। वचन कहता है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। इस वचन को निकाल कर 10 आज्ञाओं को सामने रखते हैं और बहुत सारी बातों के द्वारा बताते हैं कि अगर आज हम विश्राम दिन को नहीं मानते हैं तो हम निश्चय नरक में जाएंगे, क्योंकि हम प्रभु की 10 आज्ञाओं में से 1 आज्ञा को नहीं मानते और हम नरक चले जाएंगे। तो क्या ये बात सही है? क्या हमें आज विश्राम दिन मानना चाहिए या नहीं? मैं आपको आपके सामने बताना चाहता हूँ हम क्या करें इस विषय को लेकर। क्या ये बात सही है? इस वीडियो के द्वारा मैं आपको सारी बातें बताने जाऊंगा। आप संपूर्ण नीति से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आइए हम शुरू करें। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन काम करके 7वें दिन विश्राम किया और अपने सारे कामों से जब विश्राम किया तो परमेश्वर ने उसी प्रकार हमें भी आज्ञा दी, उन 10ों में से 1 आज्ञा दी कि तुम भी विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना, जैसा कि मूसा को दिया और वहां पर इसराइल लोग इस बात को मानते भी थे। तो कुछ भी करेंगे नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा करेंगे। और आज सबसे पहले उन भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि अगर तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण नहीं रखते हो, कहने का मतलब सबका दिन अगर नहीं मानते हो जो 7वां दिन है, तो निश्चय तुम नरक चले जाओगे क्योंकि तुम झूठी शिक्षा को दे रहे हो। तो बाइबल आज हमें क्या सिखाती है इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कृपया करके इन वचनों को ध्यान से सुने। आइए सबसे पहले हम उन 10 आज्ञाओं में से उस आज्ञा को देखें जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दी थी। तो मैं इस समय पढ़ने जा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुने। निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 8 वचन से मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुने यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा है तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना और ना तेरा बेटा ना तेरी बेटी ना तेरा दास ना तेरी दासी ना तेरे पशु ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसने सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो यहाँ पर वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीष दी, उसको पवित्र ठहराया। उन 6 दिनों से इस दिन को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, ताकि परमेश्वर से बातचीत करे, पवित्र करके परमेश्वर के साथ एक अच्छी संगति कर सके, सब लोग मिलकर उस दिन परमेश्वर की आराधना भी कर सके। तो यहाँ पर इस प्रकार की बात है और परमेश्वर ने जैसा किया वैसा ही कहता है कि तुम भी ऐसा ही करना। तो हम इस वचन को जब देखते हैं तो आगे आगे जाएंगे तो इसराइलियों ने वैसा ही किया। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह की बात करें तो यीशु मसीह ने भी जब जगत में आया तो यीशु मसीह ने सबके दिन में, यानी कि सबके दिन में जो विश्राम दिन था उस दिन का पालन किया। विश्राम दिन में, हर विश्राम दिन में यीशु मसीह जाते थे, जिस प्रकार यीशु मसीह सबके दिन में जाते थे। और बहुत सारे लोग कहते थे कि तू ये सबके दिन क्यों काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने एक सूखे हाथ वाले को जब चंगा कर दिया तो सब लोग कहने लगे क्या ये सबके दिन करना उचित है। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, आइए हम वचन में देखें। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया और उनको कहा, क्या तुम सबके दिन में अगर तुम्हारी एक ही पेड़ हो और वो गड्ढे में गिर जाए तो क्या तुम इसे बाहर नहीं निकालोगे? अगर तुम उसे बाहर निकालोगे तो क्या मनुष्य का मूल्य उससे बढ़कर नहीं? यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि सबके दिन में भला करना उचित है और अच्छा है, जो कि सूखे हाथ वाले को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, बीमारी को चंगा किया। दुष्ट आत्मा के कारण जो सताई गई थी और जो खुपड़ी थी और जो तकलीफ में थी, तो यीशु मसीह ने जब उसको चंगा किया तो यहाँ पर ये लोग उस समय भी कहने लगे कि ये सब काम सबके दिन करना अच्छा नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम सबके दिन अपने पशुओं को खोल कर पानी पिलाने के लिए नहीं ले जाते तो क्या मनुष्य का मूल्य उससे बढ़कर नहीं? यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर दया से प्रसन्न होता है, बलिदान से नहीं। अगर परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को माने, परमेश्वर को परमेश्वर चाहता है कि उसकी इच्छा पर चले, यही है जिसके द्वारा परमेश्वर खुश होता है। यहाँ पर लोग एक ऐसी रीति की तरह अपने, यहाँ पर लोगों ने एक रीति बनाकर रखी थी कि बस आज 7वां दिन है और 7वें दिन इकट्ठा होना है, बस बैठना है और कुछ नहीं करना है, किसी पर दया कुछ नहीं, किसी पर भलाई कुछ नहीं, बस उन्होंने एक नियम बना कर रखा था। जबकि पुराने नियम में ही यशाया की पुस्तक में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर वचन क्या कहता है,
यशाया उसका 58 अध्याय उसका 13 से आगे यहाँ पर मैं वचन पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने। यहाँ पर लिखा, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बात ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के बाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। तो यहाँ पर परमेश्वर सबके दिन क्या चाहता था, ये भी चाहता था कि सबके दिन मूड बनाकर आ जाए और बैठ जाए और कहें कि आज का सबका दिन है, आज तो मैं पवित्र करके मानूंगा, आज तो मैं परमेश्वर को खुश करूंगा, लेकिन मन बुराई से भरा हो या फिर अपनी इच्छा से भरा हो। यीशु मसीह ने कहा, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन मन मुझसे दूर रहता है। जो वचन पुराने नियम में कहा गया था उसी को यीशु मसीह ने याद दिलाया कि ये लोग होठों से तो आदर करते हैं लेकिन मन मुझसे दूर रहता है। ये लोग सब के दिन तो आ जाते हैं लेकिन ये लोग मन से परमेश्वर के पास नहीं है। तो यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को बताना चाहता था। तो आज क्या ये सबका दिन जरूरी है? इन 10 आज्ञाओं में से जो एक आज्ञा है सबका दिन है। इस सबके दिन में अगर आप विश्राम दिन कौन सा दिन है, अगर हम देखें तो पहला दिन रविवार है, दूसरा दिन सोमवार है, इसी प्रकार शनिवार जो है सातवां दिन था, जो विश्राम का दिन था, जो इसराइली लोग वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वर ने उनको दिया था उसके अनुसार विश्राम करते थे, वो था शनिवार। और शनिवार को लोग आराधना करते थे, बैठकर विश्राम करते थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर आज भी काम करता है। कहने का मतलब ये नहीं कि उस दिन विश्राम कर दिया, कोई काम नहीं करता। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता अभी भी काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या था, आप इस बात को गौर करें, आप समझ जाओगे कि सबका दिन आज जरूरी है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार परमेश्वर ने छठवें दिन काम किया लेकिन सातवें दिन विश्राम किया, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये जो सातवां दिन था वो यीशु मसीह के लिए था। और यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट भी किया एक वचन में, जहां पर यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र सबके दिन का भी स्वामी है, सबके दिन का भी प्रभु है। इसका मतलब ये है कि छह दिन तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से सृष्टि की रचना की और काम किया और हमारे बीच में प्रकट तो नहीं हुआ था, लेकिन सातवें दिन जिस दिन हम विश्राम करते हैं वो दिन यीशु मसीह के लिए ठहराया। जब इसराइल लोग इकट्ठे होते थे, जब आराधनालय में यीशु मसीह खड़ा होता था और इसराइलियों को वहां पर प्रभु की ओर लाने का जो दिन था वो सातवां दिन ही था, क्योंकि सातवें दिन लोग इकट्ठे हो जाते थे, सबके दिन लोग इकट्ठे हो जाते थे। और यीशु मसीह ने जो सुसमाचार सुनाया था वो सबके दिन ही सुनाया था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सच्चे परमेश्वर को जानते नहीं थे, यानी कि उन्होंने सच्चे परमेश्वर का तिरस्कार किया था, उसको यीशु मसीह ने बताया कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं बंदगी से बंदियों को छुड़ाऊं और स्वतंत्रता का प्रचार करूं, सुसमाचार का प्रचार करूं। जब यीशु मसीह ने सुसमाचार का प्रचार करूं या ये सारी बातें कही, तो वहां पर ये सब का ही दिन था और इस सब के दिन यीशु मसीह ने प्रचार किया। कहने का मतलब ये काम यीशु मसीह ने सब के दिन किया, यीशु मसीह ने चंगा सब के दिन किया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जब चेले लोग फल तोड़ने गए थे तो सब लोग कहने लगे कि तेरे चेले क्यों फल तोड़ रहे हैं, जबकि सबके दिन कुछ करना अच्छा नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने इस बात के लिए स्पष्ट कहा कि सच में परमेश्वर मनुष्य की चिंता करता है। और यीशु मसीह ने कहा मनुष्य सबके दिन के लिए नहीं बनाया गया बल्कि सबका दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है। और वो मनुष्य जिस जो सबका दिन बनाया गया था वो हमारे लिए था, और वो किसके लिए था, यीशु मसीह के लिए था। और सबका दिन किसके लिए बनाया गया, यीशु मसीह के लिए, ताकि यीशु मसीह हमारे और आपके बीच में आए और काम करें, जो पुराने नियम में बात कही गई थी उसको पूरा करें। तो यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर ने सातवें दिन जो ठहराया था वो यीशु मसीह के लिए था, और यीशु मसीह ने सातवें दिन काम करके उस दिन को भी पूरा किया। मरकुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 27 और 28 वचन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, आइए इस वचन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा है, तब उसने उनसे कहा, सबका दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबके दिन के लिए, इसीलिए मनुष्य का पुत्र सबके दिन का भी स्वामी है। तो यहाँ पर मनुष्य किसको कहा है, यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य का पुत्र, कहने का मतलब स्वयं को कह रहा है मनुष्य का पुत्र, यानी कि यीशु मसीह कहता है मनुष्य के लिए सबका दिन बनाया गया। और यहाँ पर जब हम बात करें इस वचन की, तो यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को बताना चाहता था कि सच में जिस प्रकार पिता अभी तक काम करता है मैं भी काम करता हूँ। यीशु मसीह ने ये तो कहा ही, और यीशु मसीह ये बताना चाहता था कि जो 6 दिन तक जो परमेश्वर ने काम किया वो किया था, और 7वें दिन जो विश्राम किया वो भी किया, लेकिन
सातवां दिन वो यीशु मसीह के लिए ठहरा गया था ताकि यीशु मसीह आए और उस दिन वो काम करे और उस दिन को भी बता दें कि परमेश्वर लगातार काम करता है, ताकि लोग जान जाएं कि लोग परमेश्वर कभी नहीं थकता, न कभी श्रमित होता है, वो हमेशा काम करता है और वो आज भी करता है। और यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र सबके दिन का भी प्रभु है, स्वामी है। ये वचन के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, आज अगर आपको कोई कहता है कि सबका दिन आपको मानना ही होगा, तो आपको उस बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आपका विश्वास आपको बचाता है। जब हम वचन में देखते हैं तो पौलुस भी यही कहता है, कोई किसी दिन को बड़ा या किसी को छोटा मानता है, कोई किसी दिन को एक समान मानता है, लेकिन हम किसी पर दोष न लगाएं कि आप इस दिन को ऐसा क्यों मानते हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दिन को बोले कि बहुत पवित्र और अच्छा दिन है, बाकी दिन बेकार है, बल्कि इसका मतलब यही है कि अगर आप चाहते हैं कि सोमवार को उपवास प्रार्थना करें तो आप कर सकते हो। आपके लिए विशेष प्रार्थना आप सोमवार को करते हैं, कुछ लोग मंगलवार को करते हैं, कुछ लोग बुधवार को करते हैं, कुछ लोग वीरवार को करते हैं, शुक्रवार, शनिवार, संडे, यानी कि आप किसी भी दिन परमेश्वर के सामने आकर एक विशेष दिन प्रार्थना कर सकते हो। कह सकते हो कि आज का दिन मैं प्रभु के लिए और ज्यादा समय दूंगा, यानी कि परमेश्वर के साथ और ज्यादा संगति करूंगा, और ये पूरा दिन हो चाहे आधा दिन हो, कैसा भी हो, आप इससे बढ़कर परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उसकी सुने। जैसा यशाया की पुस्तक में हमने देखा कि परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है, जब हम अपनी मनमानी नहीं करते। तो मैं आपको जो वचन आपकी स्क्रीन के सामने सारे वचन देता हूँ, आप उस वचन को ध्यान से सुनना। जब मैं वचन देता हूँ तो आप किसी की बात में आकर डरे नहीं। हाँ, एक बात याद रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसके विश्राम स्थान में प्रवेश ना करें। वचन संहिता की पुस्तक में उसके 95वें अध्याय में जब हम देखते हैं आखिरी आयत में, वहां पर लिखा है, इसीलिए मैंने क्रोध में आकर कहा कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। ये विश्राम स्थान कौन सा स्थान है? क्या वो सब्त का दिन, क्या वो शनिवार का दिन, जिसमें एक दिन तो विश्राम मिलेगा, अगले दिन फिर थक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वचन क्या कहता है, विश्राम दिन में कभी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। इजरायली लोग मनमानी करते थे, डिटाई करते थे, प्रभु के विरुद्ध चलते थे, और परमेश्वर ने क्रोध में कहा कि कभी विश्राम दिन में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। और ये विश्राम दिन क्या था, आपको मालूम होगा मूसा, आपको मालूम होगा अब्राहम, आपको मालूम होगा जो प्रभु की प्रतिज्ञा की हुई संतान है, वो लोगों ने विश्राम दिन में प्रवेश कर दिया, यानी कि विश्राम स्थान में वो जा चुके, अभी वो रेस्ट कर रहे हैं, अभी विश्राम कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम कब मिलता है? सबके दिन में नहीं, ये विश्राम आपको तब मिलता है जब आप प्रभु के पास आते हो। और प्रभु ने उस दिन काम करके दिखाया कि हमारा परमेश्वर आज भी काम करता है, और वो सब्त का दिन यीशु मसीह के लिए ठहरा गया था ताकि उस सब के दिन काम करे। अब हमारे परमेश्वर ने सारे दिनों में काम करके सारे काम को खत्म कर दिया। जो परमेश्वर का काम था वो खत्म हो चुका है। अब है हमारा काम कि हम उसके पीछे चलें, उसको स्वीकार करें, और जैसा वचन कहता है, यदि हम उसका शब्द सुने तो आज अपने मनों को कठोर ना करें। आज हम अपने मनों को कठोर ना करें, बल्कि अपने मन को त्याग करके प्रभु के पास आएं। यहाँ पर इब्रानियों की पुस्तक निकालेंगे, यहाँ पर योशू के विषय में क्या कहा गया है, यहाँ पर देखिए इब्रानियों 4 अध्याय का 8 वचन, यहाँ पर 8 वचन में क्या लिखा है, क्योंकि यदि योशू ने विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। कहने का मतलब, अगर योशू ने सबको विश्राम दिन में प्रवेश करा लिया होता तो अगले दिन की चर्चा नहीं होती। लेकिन विश्राम दिन में प्रवेश कराने वाला कौन है? यीशु मसीह। किसने विश्राम दिन में प्रवेश कराया? यीशु मसीह ने। जब हम उसको स्वीकार करते हैं तो हम इस संसार में विश्राम को महसूस करते हैं, अपने बोझों से, अपने पापों से, अपने श्रापों से स्वतंत्र होकर एक स्वतंत्रता को, एक बोझ को हटते हुए अब देखते हैं। हमारा विश्राम मरने के बाद ही शुरू नहीं होता, बल्कि जब हम इस जगत पे यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, हमारे सारे पापों का बोझ उठा लेता है और हम विश्राम में प्रवेश कर लेते हैं, और वही से हमारी वो विश्राम की जिंदगी शुरू होती है। क्या आपने परमेश्वर के विश्राम स्थान में प्रवेश किया? अगर अभी भी आप विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं कर पा रहे हो तो आज आप प्रभु के पास आएं, प्रभु से कहें, मैं आप पर भरोसा करूंगा प्रभु, क्योंकि आप बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। या आपका वचन कहता है, प्रभु मैं आपके पास आऊ, मेरे सारे बोझ को उठा लीजिए प्रभु, आज के बाद मेरे सारे बोझ हट गए, पाप के, श्राप के सारे बंधन, और अब मैं हमेशा के लिए उन बोझों से स्वतंत्र हूँ। अब मेरा विश्राम स्थान प्रभु संडे को नहीं होता, मंडे को नहीं होता, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए मेरे जीवन का विश्राम आपने प्राप्त कराया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचनों के लिए जो आप प्रभु ने मुझे दिया। दोस्तों, मैं चाहे तो बहुत सारी ऐसी आयतों को दिखाकर बता सकता हूँ कि यीशु मसीह ने सबके दिन काम किया और परमेश्वर ने वो दिन यीशु मसीह के लिए ठहराया था, और आज हम सब विश्राम के दिन में प्रवेश कर चुके हैं। जिसने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उनके बोझों को प्रभु ने उठाया, जैसा वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, वैसे ही हमने विश्राम दिन में प्रवेश कर लिया है। अब हम आनंदित होकर विश्राम में प्रवेश कर रहे हैं। कहने का मतलब, पापों से स्वतंत्र है, श्रापों से स्वतंत्र है। अब हमें प्रभु को धन्य कहना है, और इस बात में आप
ना डरे। लोग अगर आपको कहे सप्ताह दिन नहीं मानते हो नरक जाओगे, ना, क्योंकि यीशु मसीह ने सबके दिन काम कर दिया और आज हमारा परमेश्वर काम करता है। अब आपको केवल यही चाहिए कि अपने मन को कठोर ना करें बल्कि प्रभु के पीछे चलते रहें। जैसा यशायाह की पुस्तक में मैंने कहा कि परमेश्वर हमें मनमानी करे इससे खुश नहीं होता, बल्कि परमेश्वर अपनी उसकी इच्छा को पूरा करने से परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। तो आइए दोस्तों, हम सबके दिन ही नहीं बल्कि हर दिन परमेश्वर को हम प्रसन्न करें, उसकी महिमा करें, उसके पीछे चलें और इस विश्राम दिन में हम प्रवेश करें। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको आशीष मिले। जय मसीह की। यू आर वॉचिंग टू गॉड चैनल। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपडेट मोर वीडियोस।